यीशु मसीह जो निर्बल हो गया है, ये जो घुटने कमजोर हो गए हैं और यानी शरीर की चर्बी भी खत्म हो गई है। अब सोचिए यीशु मसीह ने 40 रोजे जो है 40 फास्टिंग जो है वो लगातार रात दिन लगातार की है, उसका क्या हाल हुआ होगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं लेंट्स डे के बारे में, उपवास के बारे में, 40 रोजों के बारे में, दुख भोग के बारे में। जी हाँ, ये इसका तीसरा भाग है। पिछले भाग में हमने सीखा था कि एश वेनसडे क्या है और यीशु मसीह ने 40 रोजे कब रखे और यीशु मसीह की मृत्यु कब हुई, इन सब के विषय में हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि रोजों का अर्थ क्या है, क्यों रखना चाहिए और संडे को रोजे क्यों नहीं रखना चाहिए। लोगों के इस तर्क को भी सीखेंगे कि लोगों के तर्क क्या होते हैं, क्योंकि 40 रोजे जब लोग आजकल जो रखते हैं उसमें संडे को नहीं रखते हैं, संडे छोड़ देते हैं। भाई यीशु मसीह ने 40 रोजे 40 दिन 40 रात तक निराहार रखे। अगर आप ये कहते हो यीशु मसीह ने रखे तो हमें भी रखना चाहिए, तो यीशु मसीह के 40 रोजे रखने का अपना मकसद था, आपका क्या मकसद है, आज इस विषय में सीखेंगे। पहले हम सीख लें कि जो लोग कहते हैं कि संडे को रोजे नहीं रखने चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए। पहला तर्क है कि संडे को रोजा ना रखने का जो ईसाई समाज के लोग तर्क देते हैं वो ये कि संडे को हम प्रभु भोज लेते हैं। क्या बात है कि संडे को हम प्रभु भोज लेते हैं और प्रभु भोज लेने के कारण रोजा टूट जाता है, इसलिए हम संडे को रोजा नहीं रखते हैं। ये तर्क कोई मायने नहीं रखता। अगर ये तर्क कोई देता है ना, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी आशा जो है एक मूर्ख से की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? भाई यदि हम प्रभु भोज के समय दाखरस और रोटी यीशु का लहू और शरीर समझकर नहीं ले रहे हैं, सिर्फ रोटी और दाखरस समझ के ले रहे हैं, तो रोजा टूटना है, तो हम मान लेते हैं हाँ भाई रोजा टूट सकता है। परंतु यदि हम दाखरस और रोटी को यीशु मसीह का शरीर और यीशु मसीह का लहू समझकर ले रहे हैं तो हमारा रोजा टूटना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को, उसके शरीर को, उसके लहू को हम अपने अंदर ले रहे हैं, जिससे हमारे अंदर की सारी अशुद्धता को यीशु का लहू धोकर शुद्ध और पवित्र करता है और हमें अपने योग्य बनाता है। अब सोचिए कि अगर हम यीशु मसीह जो हमारे अंदर है, जब वो हमारे अंदर आ जाता है प्रभु भोज के द्वारा, हैं, दाखरस और रोटी के द्वारा हम यीशु मसीह के शरीर और लहू को अपने अंदर ले लेते हैं, तो हमारे अंदर की पवित्रता उस फास्टिंग को और भी पवित्र बनाती है, उसकी सोच में और पवित्रता का इजाफा होता है। तो ये तो कोई बात नहीं है कि प्रभु भोज लेते हैं तो हमारा रोजा टूट जाता है। ये उनका टूटता है जो प्रभु भोज तो लेते हैं मगर यीशु मसीह का शरीर और लहू समझकर नहीं लेते हैं, वो सिर्फ रोटी और दाखरस समझ के लेते हैं, तो उनका रोजा टूटता है, नहीं तो रोजा टूटने का सवाल नहीं है प्रभु भोज को लेते समय। दूसरा तर्क है, संडे को यीशु मसीह के जी उठने का दिन है इसलिए रोजा जो है हम नहीं रखते। भाई क्या बात है, कैसे कैसे तर्क है, कैसे कैसे विचार हैं, ये इतने बुद्धिमान लोग मिलते कहां हैं, आते कहां से हैं, इनकी उत्पत्ति कहां होती है ऐसे बुद्धिमान लोगों की, ये समझ से बिल्कुल परे है। भैया यीशु मसीह जो है संडे वाले दिन जीवित हो गया और वो उसके जी उठने का दिन है, तो मुझे आप एक बात बताइए, पूरे साल में, पूरे वर्ष में आप कैलेंडर देख लीजिए, 52 संडे होते हैं, उन 52 संडे में से यीशु मसीह एक संडे जी उठा, जिसको बड़ी धूमधाम से ईसाई समाज के लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं, मनाते हैं धूमधाम से, फिर बाकी 51 संडे में यीशु मसीह क्या, यानी यीशु मसीह हर फ्राइडे को उसको क्रूस पर चढ़ा देते हैं, फिर सैटरडे को वो कबर के अंदर रहता है, संडे को जी उठता है, यानी हर संडे यीशु मसीह जीवित हो रहा है। अब अगर यीशु मसीह हर संडे जीवित हो रहा है तो हर संडे उसे क्रूस पर चढ़ाया, सॉरी हर फ्राइडे उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है और उसे हर फ्राइडे में जो है दफनाया जा रहा है और हर सैटरडे में वो कबर के अंदर है,
और हर संडे को वो जीवित हो जा रहा है। कैसा लॉजिक है ये, कैसी शिक्षा है ये जो है, इससे बिल्कुल गलत शिक्षा है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो परमेश्वर का वचन कहता है। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि संडे को जो है हमारी आराधना का दिन होता है, वर्शिप का दिन होता है, इसलिए जो है हम रोजा नहीं रखते। बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को मानते हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जब हम संडे को वर्शिप कर रहे हैं, अगर हम फास्टिंग के साथ करेंगे, रोजे के साथ करेंगे, तो उस वर्शिप में और पवित्रता का निखार आएगा और आनंद आएगा, क्योंकि फास्टिंग के साथ है। प्रभु कह रहा है ये फास्टिंग के साथ मेरी वर्शिप कर रहा है, है? तो प्रभु जो है प्रसन्न होता है और खुश होता है। परंतु ये तर्क हैं अपने अपने लोगों के, कहां से लाए हैं हमें नहीं पता है। परंतु क्या है, पहले हम रोजे का अर्थ सीख लें, उपवास की जो परिभाषा है, यानी अन्न जल का त्यागना और अपने अपने जीवों को दुख देना। उपवास इसलिए किया जाता है ताकि हम शारीरिक दशा से ऊपर उठकर अपने आत्मा के नजदीक आ सकें और इस बात को हम सब समझें ताकि ईश्वरीय शक्ति को अपने अंदर जागृत कर सके। ये रोजे का जो है मुख्य अर्थ है। जी हाँ, और भी आगे है, मैं आपको बताना चाहूंगा, परंतु रोमियो 8 और उसके 6 पद में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये जो उपवास जो शब्द है, ये संस्कृत के दो महत्वपूर्ण शब्दों से मिलकर बना है। जी हाँ, और वो कौन सा है, इसके दो भाग हम करते हैं। पहला उप, जिसका अर्थ होता है नजदीक। दूसरा वास, जिसका अर्थ होता है निवास, अर्थात नजदीक में निवास। अब किसकी नजदीकी में निवास करना होता है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये हम समझेंगे कि हमें जो है परमेश्वर की नजदीकी में निवास करना होता है, हमें परमेश्वर की नजदीकी में निवास करना है। ठीक है, ये उपवास का जो है अर्थ है। उपवास का जो दूसरा अर्थ है, उपवास का अर्थ जो है दुख उठाना होता है, आनंद मनाना नहीं होता है। जी हाँ, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, भजन संहिता 35 उसका 13 पद, जब वे रोगी थे तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। देखिए क्या है, उपवास कर करके दुख उठाता रहा। आज जो 40 रोजे रखते हैं, मुझे नहीं लगता कोई दुख उठा रहा है, किसी भी प्रकार का उसे दुख हो रहा है। यहां पर बिल्कुल साफ जो है वो लिखा है, भजन संहिता 69 उसके 10 पद में लिखा है, जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नाम धराई हुई। देखिए, उपवास करके क्या उठा रहा है, दुख उठा रहा है। और अब जो पद पढ़ने जा रहा हूं, बड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, भजन संहिता 109 का 24 पद, उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझमें चर्बी ना रहने से मैं सूख गया हूं। देखिए यहां क्या कह रहा है कि उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल का मतलब कमजोर हो गए हैं, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। अब भजन संहिता 109 के 24 पद के अनुसार यीशु मसीह जो निर्बल हो गया है, ये जो घुटने कमजोर हो गए हैं और यानी शरीर की चर्बी भी खत्म हो गई है। अब सोचिए, यीशु मसीह ने 40 रोजे जो है, 40 फास्टिंग जो है वो लगातार रात दिन लगातार की है, उसका क्या हाल हुआ होगा, उसके शरीर की दशा क्या रही होगी। मेरे और आपके लिए उसने ये दुख उठाया। और यीशु मसीह के, देखिए हम कहते हैं ना दुख भोग के दिन, यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर जब मनुष्य बन के रहा था तो दो दुख भोग के दिन थे। पहला था यीशु मसीह ने जो 40 रोजे रखे जंगल में, वो दुख भोग मेरे और आपके लिए था जो प्रायश्चित करता था, जो हम पिछले संदेश में बता चुके हैं। और दूसरा जो दुख भोग था, वो पहले दुख भोग के बाद 3.5 साल के बाद उसने जो था, जिसको हम पैशन वीक कहते हैं, वो दुख भोग दूसरा था, यानी 7 दिन का। वो 40 दिन का था और ये जो था 3.5 साल के बाद 7 दिन का दुख भोग जो है यीशु मसीह ने हमारे आपके लिए सहा, ये दुख भोग था। रोजे रखने का हमारा मकसद होना चाहिए कि हमारा क्या मकसद है, यीशु मसीह का क्या मकसद था, ये जरा ध्यान रखें जो उसने 40 रोजे रखे। पहला, अपने आप को सेवकाई के लिए तैयार करना जो वह करने जा रहा था। दूसरा, अपने आप को बलिदान होने के लिए तैयार करना। तीसरा, हमारे पापों के लिए पश्चाताप करना। जी हां, अब ये चीजें जो है हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। जब पुराने नियम के जो
जो बकरा है, पुराने नियम का जो बकरा है, नए नियम में उस बकरे की सारी कहानी जो है यीशु मसीह के जीवन में पूरी होती है। आप सब लोग लय व्यवस्था निकाल लीजिए और उसका 16 अध्याय और 1 से 28 पद तक जो हो हम उसको निकाल लें और उसको देखते रहेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। जी हाँ, लय व्यवस्था 16 अध्याय यहां पर निकाल लीजिए और मैं उसके सभी पद नहीं पढ़ूंगा, परंतु मुख्य मुख्य जो पद हैं वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहां मैं सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा लय व्यवस्था 16 का 7 और 8 पद। और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करें और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए। यहां पर क्या था, परमेश्वर के सामने दो बकरे लाए गए और दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाली गई और दोनों बकरों पर जब चिट्ठी डाली गई, एक चिट्ठी यहोवा के नाम की डाली गई और एक चिट्ठी अजाजेल के नाम के लिए डाली गई। तो जो चिट्ठी जिस बकरे के नाम पर निकली, यहोवा के लिए निकली, वो यहोवा के सामने पाप बलि के लिए बलिदान किया गया और जो अजाजेल के लिए निकली वो अजाजेल के लिए छोड़ा गया। इसको भी पढ़ेंगे हम, 9 और 10 पद इसका पढ़ लेंगे, यहां पर लिखा हुआ है। जी हाँ, इसी का लय व्यवस्था का 16 का 9 और 10 पद। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उसे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। अब ध्यान दीजिएगा कि यहोवा के नाम पर जो चिट्ठी निकली है उसे कहां पाप बलि के लिए चढ़ाया जाए। पहले मैं ये पढ़ रहा हूं, आप इसका ध्यान रखिएगा, फिर मैं उसको नए नियम में आपको ले जाऊंगा। पहले हम ये इन दो बकरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। फिर 16 का लय व्यवस्था 16 का 20 से 22 तक पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है, जब वे पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रयाशित कर चुके तब जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइलियों के सब आधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ से जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वे बकरा उनके सब आधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। अब देखिए, ये आपने दो बकरों की कहानी सुनी जो पुराने नियम में लय व्यवस्था के अंदर है। अब ये जो घटनाएं इन बकरों के साथ सच्ची घटनाएं जो घटित हुई हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अब कैसे हुआ है, पहला बकरा, अब पहला बकरा जो था जिसकी जो चिट्ठी डाली गई, जिसकी चिट्ठी यहोवा के नाम निकली, हारून ने उसको पाप बलि के लिए बलिदान किया गया। ध्यान दीजिएगा, पाप बलि के लिए बलिदान किया गया। परंतु अब यहां पर देखिए, इब्रानियों 9 अध्याय उसके 26 पद, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वे एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। जैसा वो बकरा इसराइलियों के पापों के लिए बलिदान किया जाता था, ऐसे यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए बलिदान किया गया। अब पहले बकरे का देखिए रोल उसने अदा करा, जीवन में दिखाई दिया उसके प्रभु यीशु मसीह ने, हम सबके पापों के लिए जो है यीशु मसीह बलिदान हुआ। अब दूसरे बकरे के बारे में आप पढ़ेंगे जो चिट्ठी डाली गई और वो चिट्ठी किसके नाम निकली, अजाजेल के नाम है, अजाजेल के नाम। और उस बकरे पर क्या करा कि उस हारून उस बकरे के सर के ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर इसराइलियों के सारे आधर्म का भार जो है उस जो है उस बकरे के सर पर रख देता था। जी हां, परमेश्वर के सामने जो है, अब ध्यान दीजिएगा, यशाया 53 अध्याय उसका 6 पद, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के आधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर लाद दिया, यानी यीशु मसीह पर हमारे आधर्मों का भाग जो है वो उसके ऊपर लाद दिया। जैसे इसराइलियों के आधर्मों का बोझ जो था
अधर्मों का बोझ उस बकरे के सर पे लाद दिया गया, ऐसे यीशु मसीह के सर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर हम सब के अधर्मों का बोझ लाद दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय उसका 29 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा, देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। जी हाँ, ये जो है परमेश्वर का मेमना, जैसे वो बकरा जो था इसराइलियों के सारे अधर्मों का बोझ, सारे अधर्मों का पाप उठा लिए जाकर जंगल में उठा लिए जाता था, ऐसे ही यीशु मसीह हमारे सबके अधर्मों का पाप जो है वो उठाकर ले गया। कहां ले गया? अब ध्यान दीजिए, उस बकरे को एक मनुष्य जंगल में छोड़कर आता था। जब हारून उसके सर के ऊपर इसराइलियों के सारे अधर्मों का बोझ लाद देता था, तो एक मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ के आता था। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मत्ती 4:1, मरकुस 1:12-13, लूका 4:1-2, जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने जब बत्तीसवां लिया और बत्तीसवां लेकर तुरंत परमेश्वर का आत्मा उसे जंगल में ले गया। अब हमारे सबके पाप, अब यूहन्ना क्या, जब वो बत्तीसवां लेने यूहन्ना से आ रहा है तो यूहन्ना क्या कह रहा है, देखो यह है परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप उठा लिए जाता है। जी हां, यानी उसके ऊपर जो है पापों का बोझ शुरू से लादा गया और उसको भेजा ही गया हमारे पापों का बोझ लाद कर, और वो जो था वो बोझ उठाकर कहां ले गया, आत्मा उसे जंगल में ले गया। यानी दूसरा बकरा जो था वो क्या कहलाया जाता था, प्रायश्चित का बकरा कहलाया जाता था, वो इसराइल के अधर्मों का प्रायश्चित करता था जंगल में जाकर जो है, और यहां यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह ने किया। आप निकाल लीजिए पहला यूहन्ना की पत्री 2:2, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। अब आपने देखा यीशु मसीह का वो 40 रोजे जो हम लेंट्स डे मना रहे हैं, ये तो हम गलत तरीके से मना रहे हैं, मगर यीशु मसीह का एक एक बात जो लेंट्स डे की पूरी होती है वो किस तरीके से पूरी होती है, परमेश्वर का वचन पुराने नियम में पर्वों के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा यीशु मसीह के जीवन में हमारे अधर्म, हमारे पापों को धोने का कार्य कर रहा है, दूर करने का कार्य कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, गलत शिक्षा के कारण, गलत धारणाओं के कारण, और उस राख को अपने ऊपर, गलत शिक्षाओं को अपने ऊपर लेकर जो है हम और पाप पे पाप किए जा रहे हैं, खास तौर से परमेश्वर के वचन के विरोध में पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारा प्रायश्चित कर लिया है, जो हमारे पापों के लिए बलिदान हो चुका, उसके बलिदान के विरोध में, उसके प्रायश्चित के विरोध में, उसके दुख के विरोध में जो है, उसके बलिदान के विरोध में हम जो है पाप कर रहे हैं, तो कहां से बचेंगे। यहां परमेश्वर का वचन जो है वो ये बताता है, और यही नहीं है और भी है, हमारा मकसद होना, देखिए यीशु मसीह का मकसद था 40 रोजे रखने का, ये मैंने आपको बताया, परंतु और भी हमारे मकसद जो है वो होने चाहिए। एस्तर 4:16 में लिखा है, तू जाकर शूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। अब यहां पर क्या था, पुराने समय में बिना राजा की आज्ञा के कोई भी उससे मिल नहीं सकता था, चाहे वो उसकी कितनी भी खूबसूरत रानी क्यों ना हो। अब एस्तर जो थी, एस्तर के ऊपर और जो यहूदी लोग, इजरायली लोग थे, उनके ऊपर मुसीबत आई हुई थी, तो एस्तर जो थी राजा के नियम के विरुद्ध उससे मिलने जा रही थी, तो उसने कहा 3 दिन तक तुम लोग मेरे लिए उपवास करो, और ना तो तुम 3 दिन ना रात में कुछ खाओ, और मेरे लिए उपवास करो, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उपवास करूंगी, और उसी उपवास के में जो हम, उसका एक लक्ष्य था कि उससे उसने एक लक्ष्य निर्धारित करा कि मैं उपवास में जो हूं उपवास करूंगी और राजा के नियम के विरुद्ध जो है मैं उससे मिलने जाऊं, और वो मिलने गई, मगर वहां परमेश्वर ने जो था राजा के मन को बदला और उसकी बात को सुना, और जो उसका उपवास रखने का, एस्तर का और यहूदियों का जो उपवास रखने का मकसद था वो पूरा हुआ, यानी वो बचाई गई। और फिर दूसरा शमूएल 12:16
और 21 से 23 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है जब दाऊद ने बेतशेबा से के साथ संबंध स्थापित करा और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो रोगी बच्चा था और वो मरने वाला था, तो दाऊद ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया और वो यहोवा के सामने औंधे मुंह पड़ा रहा और इस मकसद से वो उपवास रखे रहा कि मेरा बच्चा बच जाए, वो जिंदगी पा जाए, उस बीमारी से परमेश्वर उसे छुटकारा दे दे। तो दाऊद का जो था वो एक मकसद था अपने बच्चे को चंगाई देने के लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए। अब वो बात अलग है कि परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी क्योंकि वो गलत उसने काम करा था, परंतु यहां पर मकसद था। हमारा भी मकसद होना चाहिए। हमारा क्या मकसद है? आपका क्या मकसद होता है रोजे रखने का? और खास तौर से ये 40 रोजे रखने का मकसद कि यीशु मसीह ने रखे तो हम भी रखेंगे। यीशु मसीह तो जंगल में 40 रोजे रखकर मारा मारा फिरता रहा, लोगों के लिए रखे उसने, लोगों के लिए प्रयाशित करा, लोगों के लिए दुख उठाया। आप किसके लिए उठा रहे हैं? आप क्यों नहीं जंगल में फिरते हैं? फिर दुख उठाइए, लोगों के लिए दुख उठाइए। मगर नहीं साहब, 40 रोजे रखे हैं, बहुत से रखते हैं, बहुत से नहीं रखते, बहुत से जो हैं वो आधे दिन भी नहीं रख पाते हैं, बहुत से एक दो रख लेते हैं, बहुत से सिर्फ फ्राइडे को रख लेते हैं, बहुत से हफ्ते में एक बार को रख लेते हैं, मगर क्या दुख उठा रहे हैं? अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, रहन सहन आराम से जिंदगी जी रहे हैं। मकसद होना चाहिए और वो मकसद परमेश्वर के लिए होना चाहिए, वो मकसद प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए और वो मकसद हमारे जीवन में पूरा होता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो हमारी फास्टिंग का, हमारे रोजों का असर हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर यीशु मसीह की आशीषों के साथ दिखाई देगा, और नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस सच्चाई को जानिए और सीखिए, और नहीं तो परमेश्वर जो है अपने वचन का दंड जो है बहुत बुरा लेगा। गलत शिक्षा अगर उसकी मानेंगे और गलत तरीके से उसके वचन को फॉलो करेंगे तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर के क्रोध से बचिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।